करने की आवश्यकता है। क्या वाकई में हम एक हैं? अगर हैं तो ये जो 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 झुंझुना जो एक तरह से बजाया जा रहा है रोस्टर के नाम पे, हमने बार बार लगातार ये चीख चीख के कहा है कि भारत में जो शोषण होता है, अत्याचार होता है, जितना भी किसी भी तरह का कोई क्राइम होता है वो जातिगत होता है, आर्थिक आधार पर नहीं होता। और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब जब बहुजन समाज सड़कों पर उतरा है, दलित समाज सड़कों पर उतरा है, आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा है, उस सरकार ने उसके आगे घुटने टेके हैं और अब भी टेकेगी। याद करिए 2 अप्रैल का आंदोलन, हमने मजबूर किया था सरकार को अध्यादेश लाने के लिए, लाया गया। मैं फिर इस विश्वास के साथ सिर्फ संक्षेप में ये कहूंगी कि इस आंदोलन को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल के सामाजिक आंदोलन बनाने की जरूरत है, सड़कों पर लड़ने की जरूरत है, इकट्ठा होकर लड़ने की जरूरत है। अगर आपने इस 2 अप्रैल को नहीं दोहराया तो मुझे तो ये बिल्कुल कहने में कोई गुजेर नहीं कि ये लागू होकर रहेगा। और ये आज तय करने की भी आवश्यकता है कि दूटा किस ओर है, दूटा किससे है, हम सब से, हम सब दूटा के हिस्से हैं। एससी एसटी ओबीसी दूटा से अलग नहीं है। अगर दूटा एससी एसटी ओबीसी के इस 13-point रोस्टर के माध्यम से अध्यादेश के लिए दबाव नहीं लेकर आती, कंधे से कंधा मिलाकर एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ती, तो मुझे खेद है कि हमें दूटा को भी कहीं तक कहीं ना कहीं डिसोसिएशन करना पड़ेगा। जॉइंट एक्शन कमेटी, हमने हंगर स्ट्राइक पे बैठकर यहाँ बात रखी थी, आज फिर उसी जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से ऐसा ही प्रोग्राम करने की जरूरत है जो न सिर्फ विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में, बल्कि मीडिया में, सड़कों में, संसद में, राजनीतिक दलों में, MHRD में, हर वो तरीका अपनाइए जिससे सामाजिक न्याय के सवाल को हल किया जा सके, हर वो तरीका अपनाइए जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा किया जा सके। मैं एक बार फिर आप सब से आह्वान करती हूँ कि इसको जोरदार तरीके से घरों से बाहर निकल के, शिक्षण संस्थाओं से बाहर निकल के, अंतिम बात सिर्फ एक रूप में कहूंगी मैं कि भारत का हर एक यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, हर एक भारत का टीचर दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स की तरफ देखता है। दिल्ली से जो आवाज निकलती है वो न सिर्फ भारत में जाएगी बल्कि ये आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होगी, और वो तब होगी जब आवाज 2 पे 1 होने का नारा आप सारी की सारी प्रोग्रेसिव फोर्सेस, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी मिलकर लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बिरसा फूले अम्बेडकर, बिरसा फूले अम्बेडकर, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।